उर्दू में बात कर रहा हूं कि अपने हाथ से मिठाई का टुकड़ा बीवी के मुंह में डालना, उसको खिलाना। अब वो चुप हो गया, चला गया। अल्लाह की शान देखें जी कि उसने बात पे अमल किया, मिठाई का डब्बा खरीदा और घर जाके बीवी को कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूं। तो बीवी हैरान, इतना मुश्किल तबीयत का बंदा था, सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज ये मेरे लिए मिठाई लाया है। तो बीवी की तबीयत थोड़ी नरम हो गई। अब दस्तरखान पे दोनों खाना खाने बैठे तो इसने मिठाई का टुकड़ा उठाया और आगे बढ़ाया। तो बीवी ने इसे इशारे से पूछा, क्या कहना चाहते हो? इसने कहा कि मुझे फीर साहब ने कहा था कि यह सुन्नत है और मैं सुन्नत पे अमल करना चाहता हूं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसने मिठाई का टुकड़ा तो खा लिया। कहते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर सर झुका के बैठी रही। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर मुझे कहने लगी कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें ऐसी हैं तो मैं भी और सुन्नतों पे अमल करना चाहती हूं। चुनाचे इस एक सुन्नत की बरकत से उसकी बीवी बैत भी हो गई, उसने पर्दा भी करना शुरू कर दिया, उसने नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी, वो उजड़ता हुआ घर अल्लाह ने आबाद फरमा दिया। एक सुन्नत की बरकत से उजड़ने वाला घर आबाद हो गया। अगर सब सुन्नतों पे अमल करेंगे तो फिर घर कैसे आबाद नहीं होंगे। इसलिए सलाम में पहल करना और मर्द के लिए घर जाके मुस्कुराते चेहरे के साथ जाना और अहल खाना को सलाम करना, इससे बंदा अल्लाह ताला की सरपरस्ती में आ जाता है।